प्रदेश के जनपद सहारनपुर में मानव उत्थान सेवा समिति के कल्याण आश्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई और साथ पटका और फूल माला डालकर सम्मानित किया गया। समिति की प्रभारी आराधना बाई ने बताया कि कोरोना वायरस को हराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा करने वाले सफाई कर्मचारियों को आश्रम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं को भोजन कराया गया, साथ ही कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मास्क, साबुन, च्यवन प्राश भी बांटे गए। इस सेवा कार्य में राधिका बाई, शांता बाई, ईश्वर सिंह, त्रिकोक चंद गुप्ता, मांगे राम, पंकज, सोनू, सचिन, प्रेमलता आदि का विशेष सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महात्मा आराधना बाई जी है और हमारी संस्था है मानवोत्थान सेवा समिति है, जिनके संस्थापक है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सामाजिक कार्य करती रहती है। मेन हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है, लेकिन उस प्रचार के साथ साथ में सामाजिक कार्य भी करती है। जैसे आपत्ति काल में जब जरूरतमंद को जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके पास में जाकर के चीज़ों को हम प्रदान करते हैं। साथ साथ में रक्तदान शिविर है, सफाई अभियान है, फल वितरण है, वस्त्र वितरण है, इस तरह से विभिन्न कार्य करती है। और आज के समय में ये जब कोरोना वायरस के कारण से आज संसार में हर व्यक्ति पीड़ित है और उसके लिए जैसे मजदूर लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए पकाया हुआ भोजन उनको वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। और हम जब घूम फिर करके देखते हैं कि कितने ऐसा परिवार है कि जो परिवार बाहर जाके कहीं मांग नहीं सकता है लेकिन उनको ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनके परिवार तक जा कर के कम से कम उनको 15-20 दिन का राशन चल सके परिवार को, इस तरह से हम उसको देने का प्रयास करते हैं। पर डे आप कितना राशन आप दे रहे हैं? पर डे कोई फिक्स नहीं रहता है, जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता पड़ी उसी हिसाब से पहुँचाते, कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। अभी जहाँ ज़्यादा परिवार है आसपास में तो वहाँ ज़्यादा लोगों के हिसाब से देना के लिए खाने की व्यवस्था की है। हाँ, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक, तमाम लोग और इस तरीके के हैं, हाँ, उनके लिए किस तरीके की आप चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं तो हमारे जो इस संस्था से जुड़े हुए जो हमारे संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से हमें पता लगवाते हैं कि भाई कौन सी कहाँ पर ऐसे परिवार के लोग हैं कि जिनको ये चीज़ों की आवश्यकता है लेकिन मांग नहीं सकते हैं, तो उनके माध्यम से उनके जरिए तक उनके पास जा कर के हम ये अनाज किराना राशन हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या कार्यक्रम आज का हमारा कार्यक्रम मेन? तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी तो पता चला कि भाई ट्रेन में लोग बाहर कहीं से ले नहीं सकते, तो हमने उसको खाना चार पूरी है, सब्जी है, पैक करके उनको हमें डब्बे पहुँचाए हैं।